राजस्थान की धरती सत्तर के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर होगी अब हमारी नजर। आप देख रहे हैं राजस्थान खबरें, आवाज राजस्थान की। खाजरी आवास ने की जन सुनवाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले से सुनवाई नहीं कर रहे थे खाजरी आवास। पिछले शासन की तरह इस बार भी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। जन सुनवाई में मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि इसमें कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास का नाम शामिल नहीं होने से ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया था। आमजन से बेबाकी से मिलने और उनकी मदद करने वाले खाजरियावास का जन सुनवाई कार्यक्रम में नाम नहीं होना हैरान करने वाला था। संगठन से जुड़े लोग भी उनको लेकर सवाल उठाने लगे थे। अब प्रदेश कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाजरियावास का नाम जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। अगस्त माह में होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम में खाजरियावास भी लोगों की फरियाद सुनेंगे। सीकर जिले के खाजरियावास गांव के रहने वाले प्रताप सिंह 35 साल से जयपुर में ही रह रहे हैं। शहर की वीवीआईपी कॉलोनी सिविल लाइंस में उनका मकान है और सरकारी बंगला भी सिविल लाइंस में ही स्थित है। खाजरियावास यूं तो हर रोज अपने आवास पर ही जन सुनवाई करते हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर लोग आते हैं। खाजरियावास लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित निर्देश देकर करवाते हैं, जिसके कारण उन्होंने जनता के बीच अपनी पैठ बना ली है। जैसे ही मंत्री प्रताप सिंह का नाम जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल किया, वैसे ही बीते कल अगस्त की पहली तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कॉन्फ्रेंस में खाजरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जयपुर से राजस्थान खबरों के लिए प्रिंस परमार की रिपोर्ट। क्या वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? आज तक बीजेपी, हमने पांच बड़ी रैलियां कर दी, एक रैली नहीं कर पाई बीजेपी, भीड़ नहीं जुटा पाई बीजेपी का घमंड वल्लभ नगर में जमानत जब्त हुई, दरियावन में तीसरे नंबर पर आई, और वो इलाज इनका आपको आज जन 2023 के चुनाव में होगा। वहां भी बड़े दावे किए थे इनके जो प्रभारी अरुण सिंह, वल्लभ नगर में कांग्रेस की जमानत जब्त करा देंगे, खुद की करा ली। नरेंद्र राठौड़ मुझे कह रहे हवाई जहाज में जाते हुए, बोले वल्लभ नगर में तो रणवीर सिंह भिंडर जीतेंगे और यहां पर दरियावन में हम जीतेंगे। असली बात बता रहा हूं मैं, खड़ी करें। मैंने कहा आपको बहुत घमंड है, दरियावन में राठौड़ का तीसरा नंबर और वल्लभ नगर में जमानत जब्त। गलतफहमी नहीं पड़े, डायलॉग बाजी जो करते हैं मेरे साथ भी जा रहे थे भाई जा रहे थे, तो वो तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, कौन जीतेगा ये तो सुदर्शन चक्रवाला तय करेगा, बात करेंगे सब। तो उन्होंने बहुत धर्म का काम किया या पाप कर रहे हैं बीजेपी वाले, और पाप का परिणाम अच्छा नहीं होता। राम की बात करते, राम को माने भी तो सही, राम तो बड़े मर्यादा वाले थे। जब राम रावण को मारने गए, भगवान राम ने भोलेनाथ की पूजा की रामेश्वर, और खुद ने पूजा करके मर्यादा के साथ हाथ जोड़ेगा, ये भोलेनाथ मुझे पावर दो, उनको पावर मिली, उन्होंने रावण को मार दिया। ये तो हाथ जोड़ते ही नहीं है, ये तो हथकड़ी लेकर चलते हैं, मेरे खिलाफ कौन बोल रहा लगा हथकड़ी, और उसके बाद में फ्रेम करते हैं उसको, चार्ज पहले अरेस्ट करते हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। आज तक इतनी कार्रवाई हुई है जो इस बार ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, करते रहे लेकिन कोई इससे डरता नहीं है।